सब्सक्राइब करें टेक टू ग्लाइड चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए। दोस्तों ये है Realme 2 Pro और आज हम करेंगे इसका फुल रिव्यू। फुल रिव्यू का मतलब होता है फुल रिव्यू, यानी कि आज हम इसको मैंने 4 महीने यूज कर लिया है, उसके बाद में क्या कुछ मैंने महसूस किया इसके बारे में, किस टाइप का ये मोबाइल, क्या कुछ है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या क्या खराबी है इसके अंदर, क्या अच्छाई है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और देख सकते हैं दोस्तों ये मोबाइल है Realme 2 Pro। अब दोस्तों करते हैं मुद्दे की बात। अगर आपको वीडियो ऐसी और देखनी है तो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब कर लेना और बगल में घंटी आएगी उसे जरूर दबा लेना, तभी नोटिफिकेशन आएंगे अगली वीडियोस के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं टेक टू ग्लाइड चैनल को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस मोबाइल का काफी हाइप क्रिएट हुआ था, Realme 2 Pro नाम से ये बड़ा मशहूर है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर है एक वाटर ड्रॉप नॉच, इसके अंदर दिया हुआ है एक छोटा सा कैमरा, ये है 16 मेगापिक्सल का। सेल्फी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी इसकी। डिस्प्ले की बात करूं मैं तो आप देख ही सकते हैं यार, चमक रहा है डिस्प्ले, काफी अच्छा है, ब्राइट डिस्प्ले है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे गैलरी में, मैं आपको फोटोज वगैरह भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं फ्रंट कैमरे के शॉट्स, फ्रंट कैमरे के इसके शॉट कैसे आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों ये है इसका फ्रंट कैमरे का शॉट, देख सकते हैं आप काफी अच्छा शॉट आता है। ये देखिए दोस्तों काफी अच्छा शॉट है, आप अच्छे से डिटेलिंग देख सकते हैं, एक एक चीज की डिटेलिंग बारीकी से। ये मैं बैठा हुआ हूं और ये काफी अच्छे से शॉट आया हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कभी कभी इसकी ब्यूटी मोड है ना, कुछ ज्यादा ही ब्यूटी कर देती है चेहरे को, वो एक अलग बात है, धुंधला कर देती है फोटो को। और दोस्तों वही मैं बात करता हूं आपसे बैक कैमरे के शॉट की, तो आप बैक कैमरे का शॉट भी देख सकते हैं। ये दोस्तों इसका बैक कैमरे का शॉट है, देख सकते हैं आप, काफी अच्छा है, क्लियर फोटो है एकदम। ये इसके बैक कैमरे का शॉट है। अब दोस्तों कैमरे को तो आपने टेस्ट कर लिया कि कैमरे किस तरीके के हैं, अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों डिस्प्ले इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है, वीडियोस वगैरह आप अगर प्ले करेंगे तो काफी अच्छी वीडियोस वगैरह प्ले हो जाएंगी। और दोस्तों वही मैं बात करता हूं आपसे इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो काफी अच्छे से वर्क करता है, आप देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट सेंसर की लोकेशन है वो काफी अच्छे से दी हुई है। और दोस्तों यहाँ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, ये आपको 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा का सेटअप मिलता है। शॉट में आपको दिखाई चुका हूँ, इसके बहुत अच्छे शॉट आते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन देखा जाए तो काफी प्रीमियम डिजाइन है इसका, इसमें आपको ग्लास फिनिश बैक में भी मिलती है, आगे भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, काफी अच्छा डिजाइन है, हैंडी प्रीमियम लगेगा। दोस्तों इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और जिसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी होता है इसमें अलग से, और साथ में 2 SIM भी लगा सकते हैं आप। और दोस्तों इसके अंदर एक और इसकी खास बात है कि इसके अंदर आपको कलर OS मिलता है, कलर OS के अंदर काफी अच्छे एडिशनल फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं, तो वो दोस्तों हर किसी के चॉइस के ऊपर प्रेफर करता है। अगर दोस्तों ओवरऑल मैं मोबाइल की बात करूं तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है, और काफी अच्छा प्रोसेसर तो इसकी जान है, जो इसके अंदर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर है, जिसकी AI कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी होती है कि इसका फेस अनलॉक आप जैसे ही आप फेस के आगे लाओगे मोबाइल अनलॉक करेगा, इस तरीके से होता है, बहुत ही सेकंड्स के अंदर में हो जाता है ये काम। तो दोस्तों इसके अंदर में सारे फीचर्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ओवरऑल मोबाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस अगर आपको इसमें कमी कोई देखने को मिलेगी तो कभी कभी इसकी स्क्रीन अपने आप से ब्राइट और उसमें आपको दिक्कत होने लग जाएगी, कि अगर आप ज्यादा लो लाइट के अंदर जाएंगे तो आपको स्क्रीन के देखने में कोई प्रॉब्लम आएगी। और जहां तक मैंने फेस किया कि जब मैं ज्यादा सनलाइट के अंदर जाता हूं तो इसकी स्क्रीन के अंदर थोड़ी ब्राइटनेस कम रह जाती है, बस यही इसकी मुझे एक कमी लगी, और उसके अलावा मोबाइल के अंदर में कोई मुझे कमी देखने को नहीं मिली। और वही मैं बात करता हूं बस इसके फ्रंट कैमरे की, तो आपको दिन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रात में जब आप सेल्फी लेंगे तो आपको फ्रंट फ्लैश नहीं मिलेगा इसके अंदर, आपको सिर्फ ओनली फ्रंट फ्लैश की जगह पे स्क्रीन फ्लैश देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था इसका ओवरऑल रिव्यू, डिवाइस काफी अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल रिकमेंड कर दूंगा आपको, परचेज कर सकते हैं आप। काफी सारी वीडियोस मैं इसी से शूट करता हूं, और एक वीडियो मैं अभी आपको रिसेंटली दिखाने वाला हूं,
जो कि मैंने अभी रिसेंटली शूट की है इसी मोबाइल से। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये इसका पास कोड है यार, इसमें तो आपको जाना पड़ेगा। ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये वीडियो मैंने अभी अभी शूट की है, देखिए काफी अच्छी वीडियो, देख सकते हैं क्वालिटी। देखिए दोस्तों क्वालिटी देखिए आप मोबाइल की, क्या क्या क्वालिटी आ रही है, देख रहे दोस्तों अपडेट हो चुकी है पूरी तरीके से, डाउनलोड अब इसे करना है। और दोस्तों ये देखिए मैंने इस वीडियो में लाल टी शर्ट पहन रखी है, अब लाल टी शर्ट को देख के आपको एक लाल बटन ध्यान में आ रहा होगा, नीचे जाओ और उसे दबा दो, तभी ऐसी वीडियोस और देखने को मिलेंगी आपको। तो चलिए दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर, धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, जय इंडियन आर्मी।